हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम साइकॉन की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इसकी हैबिटेट और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कैनाल सिस्टम, इन सब पे डिस्कस कर लिया गया है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे भी डिस्कस किया गया है। इस वीडियो लेक्चर में हम साइकॉन की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन साइकॉन। ठीक है, साइकॉन की हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, साइकॉन इज हर्माफ्रोडाइट। साइकॉन जो है वो हर्माफ्रोडाइट होता है। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन एक ही एनिमल में होगा, उसको हम हर्माफ्रोडाइट टर्म देंगे, या आप बाईसेक्सुअल भी कह सकते। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमिट्स डेवलप। जो मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स है वो डेवलप हो रहा है इन द सेम साइकॉन। एक ही साइकॉन की बॉडी में मेल एंड फीमेल गैमिट्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, इसमें मेल गैमिट्स भी होंगे एंड फीमेल गैमिट्स भी डेवलप करेगा। ठीक है, तो एक टर्म आपको बताया था प्रोटोगाइनी, मीन्स जैसे दोनों गैमिट्स एक ही में है तो ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, एक ही में फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, इसको इसके लिए ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेगा। तो प्रोटोगाइनी इसलिए कहा गया था कि इसमें जो फीमेल गैमिट्स हैं वो मेल गैमिट के मुकाबले पहले मेच्योर हो जाती है, इसलिए इसका जो फीमेल गैमिट्स है वो दूसरा मेल गैमिट्स आएगा इसकी बॉडी में से ये चूज करेगा। साइकॉन इज हर्माफ्रोडाइट, आपको पता हो गया। गैमिट्स आर डेवलप बाय आर्कियोसाइट सेल। जो गैमिट्स है वो डेवलप करेगा आर्कियोसाइट सेल से। ठीक है, गैमिट्स, मेल गैमिट्स भी एंड फीमेल गैमिट्स भी डेवलप जो होगा वो आर्कियोसाइट सेल से ही डेवलप करेगा। और आर्कियोसाइट सेल आपको कहाँ मिलेगा, मीजेनकाइम में। जो साइकॉन की बॉडी है, आउटर पिनेकोडर्म, इनर गोइनोडर्म, इन दोनों के बीच का जो लेयर है नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर, वो मीजेनकाइम कहलाएगा या मीजोहाइल। उनमें ये आपको आर्कियोसाइट सेल, अमीबोसाइट सेल, स्टिक्यूल्स, ये सब आपको मिलेंगे। तो आर्कियोसाइट सेल ही ये डेवलप करेगा। ठीक है, गैमिट्स आर डेवलप बाई आर्कियोसाइट सेल इन मीजन का है। ठीक है, सेक्सुअल इन्वॉल्व स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। सेक्सुअल में क्या क्या इन्वॉल्व होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। ठीक है, गैमिटोजेनेसिस, मेल का अगर आप देखते हैं कि मेल का आर्कियोसाइट सेल से कैसे स्पर्म बन रहा है, तो उसमें गैमिटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, और इसमें आप पोस्ट जाइगोटिक डेवलपमेंट भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप देखिए, ये आर्कियोसाइट सेल है और ये सेल आपको कहाँ मिलेंगे, मीजेनकाइम में। साइकॉन की मीजेनकाइम बॉडी में, मीजेनकाइम में जो नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, तो अमीबोसाइट सेल क्या है, डेवलप करेगा, थोड़ा ये ग्रो करेगा साइज में डेवलप करके, ये इसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम में डिवीज़न होगा, ये डिवाइड करेगा दो सेल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोसिस्ट। अब ये स्पर्मेटोसिस्ट में क्या डिवीज़न होगा, मियोसिस होगा इसमें, मियोसिस। ठीक है, स्पर्मेटोसिस्ट से क्या बन जाएगा, स्पर्मेटोसाइट्स, ये दो से चार हो जाएगा। अब यही चार जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं, यही स्पर्म में डेवलप कर जाएगा, स्पर्म बन जाएगा। तो ये एक आर्कियोसाइट सेल से, जो मेल गैमिट्स हैं, एक आर्कियोसाइट सेल से चार स्पर्म बनते हैं। ठीक है, फोर स्पर्म ये है, ये चार सेल देखा ना आपने, तो ये आपको दो ऐसे सामने दिख रहे हैं, दो इसके पीछे आपको दिखेंगे। तो ये एक आर्कियोसाइट सेल से चार स्पर्म इसमें प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, डेवलप होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ आप देखो, ये फीमेल गैमिट्स का बताया,
ठीक है, ये है फीमेल गैमेट्स, ये भी आपको कहाँ मिलेंगे, मीजेनकाइम में, ठीक है। ये आर्कियोसाइट सेल से ये भी डेवलप होगा, एग का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये मीजेनकाइम है, ये आपको कोइनोडर्म कॉलर सेल आपको दिख रहे हैं, यहाँ ये रेडियल कैनाल है, स्पॉन्जियोसील रेडियल कैनाल, ठीक है। तो यहाँ से ये आर्कियोसाइट सेल यहाँ पर ये डेवलप करेगा, थोड़ा इसकी कोइनोसाइट सेल में, कोइनोसाइट सेल की तरफ, कोइनोडर्म की तरफ ये थोड़ा अंदर की ओर धंसेगा, तभी ये स्पॉन्जियोसील से स्पर्म इसको आके फ्यूज करेगा, ठीक है। आर्कियोसाइट सेल किस में चेंज हो जाएगा, ओसाइट सेल, ओसाइट सेल से हमारा ओवम डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो आर्कियोसाइट सेल ही से इसका मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब देखते हैं हम इसका फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन को देखते हैं, तो देखिए लिखा हुआ है मेल गैमिट्स आर मोटाइल, ठीक है। मेल जो गैमिट्स होगा वो मोटाइल होगा, ठीक है। मोटाइल कहने का ये मतलब है ये सी वाटर में रिलीज हो जाएगा, स्विम कर सकता, ठीक है, रिलीज इन सी वाटर। मोटाइल मेल गैमिट्स साइकोन की बॉडी से रिलीज हो जाएगा इन सी वाटर। फीमेल गैमिट्स आर, मेल गैमिट्स क्या है, स्पर्म है, फीमेल गैमिट्स क्या है, ओवम है, ठीक है। स्टैटिक स्टे, ये मोटाइल नहीं होगा, ये साइकोन की बॉडी में ही रहेगी, ठीक है। फीमेल गैमिट इन मीजेनकाइम एक्सपोज्ड रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल के थ्रू आपको दिखने को मिलेगा। फीमेल गैमिट्स जो है वो स्टैटिक स्टे होगा, ठीक है, वो मोटाइल नहीं होगा। मेल गैमिट्स इंटर अलोंग विथ वाटर एंड रीच इन रेडियल कैनाल, मेल गैमिट जो होगा वो वाटर के थ्रू इंटर करेगा साइकोन की बॉडी, जैसे ये आप देख सकते हो डायग्राम में, तो ये ऑस्टिया के थ्रू ये साइकोन की बॉडी में इंटर करेगा। जो मेल गैमिट्स है स्पर्म है, वो अंदर जाकर रेडियल कैनाल सिस्टम से होता हुआ वे कहाँ पहुँचेगा, रेडियल कैनाल के, जहाँ पर ये ओवम बना हुआ, जाइगोट सॉरी, जहाँ पर ये ओवम बना हुआ है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्रॉस होगा एंड इंटरनल होगा, आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन इसमें क्रॉस हो रहा है, हर्माफ्रोडाइट तो है लेकिन इसमें क्रॉस। अब देखो ये देखो, साइकोन की एक बॉडी ये वन, ये टू, ठीक है, दो साइकोन हैं, दूर दूर हैं सी वाटर में, ठीक है, ये दूर दूर हैं साइकोन, तो क्या होगा, दोनों बाइसेक्सुअल हैं, हर्माफ्रोडाइट हैं, दोनों में मेल गैमिट्स बन, मेल गैमिट्स भी एंड फीमेल गैमिट्स का भी डेवलपमेंट हो रहा, फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, दोनों में हो रहा है, ठीक है। इसका क्या होगा, ये जो मेल गैमिट्स है, मेल गैमिट्स का स्पर्म जो है ये रिलीज होगा, वाटर से रिलीज हो जाएगा, ठीक है, वाटर से रिलीज होकर ये ऑस्टिया के थ्रू दूसरे साइकोन की बॉडी में इंटर कर जाएगा, दूसरे साइकोन की बॉडी में इंटर करके, फिर जब ये साइकोन की बॉडी में इंटर कर लिया, अब यहाँ, ठीक है, साइकोन की बॉडी में मेल गैमिट्स इंटर कर गया ऑस्टिया के थ्रू, अब ये पहुँच गया कहाँ पर, रेडियल कैनाल। कैनाल सिस्टम आपने पढ़ा था, तो ऑस्टिया के थ्रू कैनाल सिस्टम तक पहुँचने के लिए पहुँच गया, जैसे इन करेंट कैनाल, रेडियल कैनाल, फिर स्पॉन्जोसील में पहुँचता है, ठीक है, इन करेंट कैनाल, फिर प्रोसोफाइल एपोफाइल के थ्रू होता हुआ जब रेडियल कैनाल, स्पॉन्जोस रेडियल कैनाल, फिर उसके बाद क्या है, तो ये आपका रेडियल कैनाल है, ये रेडियल कैनाल है, रेडियल कैनाल, फिर उसके बाद स्पॉन्जोसील मिलेगा। तो देखिए रेडियल कैनाल के पास क्या मिलेगा आपको, कॉलर सेल, ठीक है, कोइनोसाइट, यहाँ लिखा होगा, ठीक है, कोइनोसाइट्स ये सेल हैं पूरे, कॉलर सेल एक सिंगल देखो कॉलर सेल। तो ये स्पर्म जब रेडियल कैनाल तक, स्पॉन्जोसील तक पहुँच गया, तो देखिए स्पर्म कहाँ जा रहा है, इसको फर्टिलाइज करने जा रहा है, ठीक है। ये ओवम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये ओवम है, ये आर्कियोसाइट सेल से डेवलप हुआ है, ठीक है। फिर आगे देखिए स्पर्म इसके पास पहुंच रहा है,
फिर ये यहाँ वाले पे देखिए आप, ये इसको फ्यूज़ कर जाएगा, ठीक है, यहाँ इस पर मैं यहाँ तक पहुँच गया। फिर यही कॉलर सेल के बीच से, उसके इसकी दोनों के बीच से ये जो ओवम था, एग था, उसको फर्टिलाइज कर जाएगा, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। ये इतना क्लियर है आप लोगों को। जाइगोट जब बन गया, फिर ये जाइगोट क्या होगा, स्पॉन्जोसील के से होता हुआ स्पॉन्जोसील में आ गया, फिर ये ऑस्कुलम के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम देखते हैं जाइगोटिक डेवलपमेंट इन मीजेनकाइम। तो बच्चों जाइगोट का डेवलपमेंट मीजेनकाइम में ही होता है। अभी मीजेनकाइम जाइगोट जो है वो ऑस्कुलम के थ्रू बाहर नहीं निकलेगा अभी, तो जाइगोट का डेवलपमेंट मीजेनकाइम में ही होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये मीजेनकाइम की लेयर है, ठीक है, ये जाइगोट है, हमारा जाइगोट है। अब इसमें क्या होगा, इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, तो ये क्लीवेज होगा इसमें, ठीक है, इस जाइगोट में क्लीवेज होगा, जो वर्टिकल डिवीजन होगा, ठीक है, वर्टिकल क्लीवेज इसमें होगा, ठीक है, वर्टिकल क्लीवेज। तो ये एक सेल से दो सेल स्टेज आ जाएगा इसका, ठीक है, फिर डेवलप होगा, फिर से इसमें डिवीजन होगा, वो भी वर्टिकल डिवीजन होगा, ये गलत दिख रहा, तो दो से चार सेल, ठीक है, वर्टिकल डिवीजन हो रहा है, इसमें भी वर्टिकल डिवीजन हुआ, दो से चार हुआ, डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है, चार से फिर आठ होगा, ये भी वर्टिकल डिवीजन होगा, वी ऑब्लिक डी, ठीक है। तो पहला दूसरा और तीसरा इनमें वर्टिकल डिवीजन होगा और इक्वल होगा, ठीक है, ये एक बराबर होंगे। उसके बाद क्या होगा, जब 8 से 16 सेल स्टेज होगा तो उसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन। फिर इनमें ये जो ये सेल है 16 सेल स्टेज है, जो इसका स्ट्रक्चर है, इनमें इन्वर्जन होगा, इसमें इन्वर्जन होगा, तो 8 सेल माइक्रो न्यूक्लियस हो जाएगा और 8 सेल मैक्रो न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 8 सेल माइक्रो न्यूक्लियस एंड 8 सेल मैक्रो न्यूक्लियस हो जाएगा। तो इन्वर्जन में क्या होगा कि बाहर की जो सतह होगी वो अंदर चली जाएगी और अंदर की सतह बाहर आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया इन्वर्जन, इसमें हो गया, फिर ये डेवलप कर जाएगा एम्फी ब्लास्टुला लार्वा में, ठीक है, एम्फी ब्लास्टुला लार्वा इन मीजेनकाइम, एम्फी ब्लास्टुला लार्वा इन मीजेनकाइम, ये मीजेनकाइम में ही डेवलप हो जाएगा, एक लार्वा बन जाएगा। अब ये लार्वा क्या होगा, साइकॉन की बॉडी से बाहर निकलेगा, ठीक है, ये अब फ्री स्विमिंग कर सकता है, सीलिएटेड है, ठीक है बच्चों। अब ये लार्वा डेवलप करेगा, लार्वा चेंज होगा किसमें, गैस्टुला, ठीक है, ये गैस्टुला देख लिया आप, ये थोड़ा अंदर की तरफ ये मूव करेगा, ये सेल हैं ये अंदर की तरफ, अब एक कैविटी बनना स्टार्ट होगी, मतलब गैस्टुला स्टेज आएगा, एक कैविटी बनना स्टार्ट होगा। तो ये बाहर का जो है लेयर, इसको एक्टोडर्म कहेंगे, अंदर की लेयर को हम एंडोडर्म कहेंगे, ठीक है, इसमें सीलिया प्रेजेंट है। फिर ये ग्रो करेगा, ये गैस्टुला ग्रो करके एक स्टेज आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे ओलियंथस स्टेज, ओलियंथस स्टेज, ठीक है। ये गैस्टुला डेवलप करके, ग्रो करके, डेवलप होने के बाद एक ओलियंथस स्टेज हो जाएगा, जो ये किसी बेस से जाकर अटैच हो जाएगा, बेस पे जाकर अटैच हो जाएगा, किसी रॉक से, किसी भी सबस्टेटम से ये अटैच हो जाएगा। जब ये एम्फीब्लास्टुला लार्वा जो है ये गैस्टुला में चेंज हुआ, अब ये डेवलप ग्रो करके एक स्टेज आ जाएगा ओलियंथस स्टेज, ये सेटल डाउन हो जाता, किसी बेस से अटैच हो जाएगा, तो इसको हम इस स्टेज को हम ओलियंथस स्टेज बोलेंगे, ठीक है। अब यही ग्रो करके एक साइकोन बन जाएगा, ठीक है, उसमें ऑस्टिया, ऑस्कुलम, ये सब आने लगेंगे। अब जो ये पोस्ट जाइगोटिक डेवलपमेंट आपने देखा, तो यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है जाइगोटिक डेवलपमेंट इन साइकोन, ठीक है, जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है इन मीजेनकाइम, मीजेनकाइम के ही अंदर 1, 2 एंड 3 डिवीजन वर्टिकल हो रहा है, जो 1, 2 और 3 यहाँ पे आप देख सकते हो, 1,
टू एंड थ्री। इसमें कौन सा डिवीज़न हो रहा है? वर्टिकल डिवीज़न हो रहा है एंड इक्वल हो रहा है, इक्वल, ठीक है, वर्टिकल एंड इक्वल। तो क्या बनना है, कौन सा हमको रिजल्ट आ रहा है? टू फोर एंड एट सेल स्टेट। देखिए टू फोर एंड एट सेल स्टेट, ये आप इतना दो जायगोट की बात का, ठीक है, पोस्ट जायगोटिक डेवलपमेंट। वन टू थ्री, वन टू थ्री डेवलपमेंट वर्टिकल डिवीज़न हो रहा है, वर्टिकल डिवीज़न हो रहा है और इक्वल हो रहा है। रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है? टू फोर एट सेल स्टेज, टू फोर एट सेल स्टेज। देन उसके बाद क्या होगा? चौथा जो डिवीज़न है, फोर्थ डिवीज़न, ये आप फोर्थ मान लो, ठीक है, फोर्थ डिवीज़न जो हो रहा है वो हॉरिजेंटल होगा एंड अनइक्वल होगा, हॉरिजेंटल एंड अनइक्वल जो चौथा हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, इनमें इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन हो रहा है, तो जो बाहर की लेयर है वो अंदर, अंदर की लेयर बाहर, तो अपर स्मॉल सेल माइक्रोमीयर्स, लोअर लार्जर सेल मैक्रोमीयर्स, ठीक है, ये आठ आठ में डिवीजन होगा। इनर सरफेस जो होगा, इनर सरफेस ऑफ माइक्रोमीयर डेवलप फ्लैजिला, जो इनर सरफेस होगा वो डेवलप करेगा फ्लैजिला, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है, कम आउट एम्फीब्लास्टुला लार्वा, डेवलपमेंट ओवर इन मेसेनकाइम ऑफ साइकोन। जब यहाँ तक डेवलपमेंट हो गया मेसेनकाइम में, कंप्लीट हो गया डेवलपमेंट, एक लार्वा बन गया, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एम्फीब्लास्टुला लार्वा कम आउट अलोंग विथ वाटर, तब ये एम्फीब्लास्टुला लार्वा साइकोन की बॉडी से निकलेगा, जाइगोट नहीं निकलेगा। मैंने थोड़ा पहले आपको बताया तो वो गलत बता दिया था, बट ये आप जान लो कि एम्फीब्लास्टुला लार्वा अभी मेसेनकाइम से है, अब ये बाहर निकलेगा, ठीक है, फिर उसमें चेंजेस आएंगे, गैस्टुला, वो गैस्टुला होगा, गैस्टुला सेटल डाउन एंड इलोंगेट, जब ये गैस्टुला सेटल डाउन हो गए फिर एक स्टेज कहलाएगी, ग्रो करेगा, फिर वो स्टेज हम ओलियंथस स्टेज कहेंगे। गैस्टुला सेटल डाउन एंड सेटल डाउन इलोंगेट ओलियंथस स्टेज, तब हम इसको बोलेंगे ओलियंथस स्टेज। अब ये क्या करेगा, ये ग्रो करेगा, डेवलप, इसमें डेवलपमेंट आएंगी, ग्रो करेगा, तो क्या हो जाएगा, रेडियल कैनाल आ जाएगा, ऑस्टिया, ऑस्कुलम, ये सब डेवलप कर जाएगा, तब जाकर एक यंग साइकोन आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।